हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग गाइस। मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग मूवी जो है रिसेंटली रिलीज होने वाली है, तेलुगु मूवी रारा। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है गाइस। मुझे कॉमेडी मूवी काफ़ी पसंद है, बट वो हॉरर हो तो और बेटर वे से पसंद आती है। और मैंने काफ़ी हॉरर कॉमेडी मूवी देखी है साउथ इंडियन में, कंचना और चंद्रमुखी जैसी मूवीज़ जो काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और अच्छी मूवी हैं, काफ़ी काफ़ी पसंद आती हैं। जो भूल भुलैया में अभी अक्षय कुमार जी ने बनाई थी मूवी रिसेंटली, वो उनके उनके जैसी ही डब मूवी थी। सो मूवी काफ़ी अच्छा। मूवी के बारे में गाइस, मूवी में श्रीकांत जी हैं, नाजिया और सीता नारायण ये जो है लीडिंग रोल में गाइस, और मेका श्रीकांत, ये तो आप सभी को पता होगा साउथ के काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, सभी जानते हैं इन्हें, और काफ़ी ओल्ड एक्टर हैं गाइस, और काफ़ी अच्छी एक्टिंग से अपना लोहा साउथ में बना चुके हैं गाइस। सो और ये एक हॉरर मूवी को लेके आ रहे हैं जिनका नाम रारा है, और मुझे लगता है नाम से ही मुझे लगता है कि मूवी काफ़ी फनी और काफ़ी हॉरिफाइंग होगी, क्योंकि मैं ऐसी मूवी काफ़ी मिस करता हूँ जो कॉमेडी के साथ हॉरर रहे, डर भी लगे और हंसी भी आए। सो ऐसी मूवी सभी को देखना चाहिए गाइस, काफ़ी फनी होती है। काफ़ी मैंने मूवी देखी है, मैंने आपको बताया कंचना और भूल भुलैया जो कि हिंदी में आई थी, और उसके पहले रजनीकांत जी की मूवी थी चंद्रमुखी, वो भी मैंने देखा, तमिल में, साउथ, तेलुगु में, मलयालम में, काफ़ी लैंग्वेजेस में आई हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। सो मूवी को प्रोड्यूस गाइस किया है एम विजय ने, और डायरेक्ट किया है शंकर जी ने। सो मूवी जो है अंडर वीजी चेरिस विजन के बैनर के अंदर बनी हुई गाइस। और ठीक है, ये तो मूवी के बारे में था गाइस, अब भी हम ट्रेलर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रिएक्ट करेंगे। నా దగ్గర కమర్షియల్ సబ్జెక్ట్ ఉంది సార్, ఓపెన్ చేస్తే? ఓపెన్ చేయొద్దు, దెయ్యం సినిమా కథ ఉంటే చెప్పు, అడ్వాన్స్ ఇద్దాం తీసుకో. ఇదే మన షూటింగ్ లొకేషన్. ఇక్కడికి కథ రాయడానికి తీసుకొచ్చారా లేక మమ్మల్ని కథం చేయడానికి తీసుకొచ్చారా? నిజం చెప్తే నమ్ముతాం సార్. చక్క దెయ్యాన్నే ప్రేమిస్తున్నారు, పెళ్లి కూడా చేసుకుని ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోతారు. దెయ్యాల కథ నొప్పుకుంటే రియల్ దెయ్యాలతో సినిమా చేస్తారా? నేను చచ్చిపోతా? అరే తమ్ముడు, అడవంతా తిరిగి సంక్రాగిపోయావురా, బయటికి వెళ్ళే దారి చెప్పు. ఈ బంగ్లాలోకి ఎవరు వచ్చింది? తిరిగి వెళ్ళనివ్వరు. మనుషులకి బెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ గేమ్స్ పెడతాను. సో మూవీ కాఫీ ఇంట్రెస్టింగ్ హై గైస్, ఆర్ అచ్చి హై జస్ట్ శాయద్ శ్రీకాంత్ ఆర్ ఇన్కే గ్రూప్ కో ఏక్ బంగ్లో మే ఆతే హై ఆర్ ఉస్ పే భూత్ హోతా హై, వో భూత్ కీ భీ కోయి స్టోరీ హై, కుచ్ స్టోరీ జరూర్ హై గైస్, ఆర్ काफ़ी इमोशनल स्टोरी हो सकती है। और इस जो श्रीकांत और जो इनका ग्रुप आता है शायद शूटिंग के लिए आता है, और उनके साथ बहुत सारी ट्रेजेडी होती है, मस्ती होती है, और जो भूत उनके साथ करता है, मुझे लगता है इसी बेस पर ये जो तेलुगु मूवी है गाइस रारा जो है काफ़ी है मूवी, मुझे बेस्ट लगती है गाइस। और
इसी पर लगती है जो, और हो सकता है मूवी में काफ़ी ट्विस्ट हो, मैं जरूरी नहीं मैंने जो कहा मूवी वैसी ही हो सकता है कुछ अलग हो मूवी में, मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गाइस। सो अगर ऐसी मूवी बनती है तो सभी को देखना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉमेडी और हॉरर से भरी, जो आपको थ्रिल भी देगी, आपको हंसाएगी, डराएगी, हंसाएगी, ऐसी मूवी गाइस मुझे तो बहुत पसंद आती है। मुझे नहीं लग पता कि आपको कैसे लगती है, मैं तो जरूरी वो देखूंगा गाइस। तेलुगु में और रिलीज डेट के बारे में गाइस उतना आइडिया नहीं है, बट 2018 में ही रिलीज़ होगी और काफ़ी अच्छी मूवी है गाइस, आपको देखना चाहिए। श्रीकांत जी एक बहुत ही सीनियर और अच्छे एक्टर्स हैं और जो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं और उनका ग्रुप और काफ़ी ऑसम होता है गाइस। तो मैंने काफ़ी साउथ इंडियन मूवी हॉरर मूवी देखी है, सो मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्साइट करती हैं, काफ़ी अच्छी मूवी बनाती हैं गाइस। और साउथ इंडियन में काफ़ी अच्छे मूवी बनती है, लेकिन साउथ की मूवी जो होती हैं वो किसी ना किसी स्टोरी बेस पे होती है, तो वो मुझे अच्छा लगती है, अच्छी लगती हैं और उनके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है गाइस। कॉमेडी होना चाहिए, कॉमेडी का तड़का होना चाहिए, हॉरर होना चाहिए, और जब हॉरर हो तो एकदम हॉरर हो और कॉमेडी हो तो बहुत फनी कॉमेडी हो, ऐसी मूवी चाहिए लोगों को। मुझे तो फिलहाल ऐसी मूवी चाहिए, मुझे लगता है काफ़ी लोग मूवी इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट हो, कुछ अच्छी सीख मिले और हमेशा दूसरों को बोलते हैं आगे बढ़ने का एक वे दिखाए। हम भूत प्रेत को नहीं मानते हैं, लेकिन गाइज क्या होता है कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें होती हैं, बट इसे फन के रूप में लेना चाहिए, ना सुपरस्टिशियस के रूप में लेना चाहिए। ये एक बोलते हैं हम केवल इसको एंटरटेनमेंट के रूप में लेना चाहिए, इस चीज़ों को मानना नहीं चाहिए। ये जो जादू टोटका टोना ये सब भूत प्रेत ये सब बकवास है गाइज, और हमें इसे केवल एक एंटरटेनमेंट और मजे के रूप में जरूर पसंद करना चाहिए गाइज। सो ये था मेरा रिएक्शन मूवी के बारे में गाइज। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके व्यूज़ और आपका सजेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए गाइज। सो हम मिलेंगे नए और ट्रेलर के साथ गाइज जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू और जय हिंद।